बुधवार को करनाल रेलवे रोड स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राइस मिलर्स द्वारा अपनी भागीदारी निभाई गई। इस मौके पर राइस मिलर एवं डीलर एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के बारे में विस्तार पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन की ओर से विनोद गोयल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि यह हमारी वार्षिक बैठक है, जिसमें धान के नए सीजन में आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और जो भी समस्या राइस मिलर्स को आती है उनको प्रशासन के साथ शेयर करके उनका हल निकालने की बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान की फसल मंडी में आ चुकी है, जिला प्रशासन को उत्थान का पुख्ता प्रबंध करने चाहिए ताकि ना तो किसानों को समस्या का सामना करना पड़े और ना ही राइस मिलर्स को किसी प्रकार की समस्या हो। इस मौके पर राइस मिलर्स एवं डीलर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। आज हमारा हरियाणा करनाल राइस मिल एसोसिएशन की मीटिंग है, जिसमें पिछली कार्यगुजारियों पर प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाएगी और खर्चे का भी लेखा जोखा देकर और आगामी कार्य करने का गठन किया जाएगा। अभी यहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाला है, इसके बाद सर्वसम्मति से हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। आज भी सर्वसम्मति से जिसको भी नया प्रधान बनाया जाएगा और आज के अध्यक्ष हमारे श्री सुरेश गुप्ता जी और जयपाल जी पाली हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। कहाँ कहाँ से आए हैं ये सारे? अपने करनाल के हैं, करनाल के राइस मिलर हैं। तो मुख्य क्या एजेंडा रहा है? कोई जीएसटी है? यही है कि भाई आगे आगामी जो हमें प्रॉब्लम फेस होने वाली है, इसमें जो आगामी सीजन चलेगा उसके सभी कठिनाइयों पे पहलुओं पे प्रकाश डाला जाएगा कि क्या क्या कठिनाई आने वाली है और उनको सॉल्व करने के क्या तरीके होंगे सरकार से, उसके बारे में नई सीएमआर की पॉलिसी बनेगी, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सरकार पे भी मिलकर उसको ठीक कराया जाएगा। यही हमारा आज का एजेंडा है। मंडी में जो है धान आवक शुरू हो गई है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से तैयारियां? हम सरकार से मांग करेंगे कि अर्ली परचेज शुरू कराई जाए, क्योंकि मंडियों में जल्दी धान आने की संभावना है, तो हमारी मांग यही रहेगी कि जितनी जल्दी परचेज होगी तो जमींदारों को फायदा होगा, एमएसपी बिकेगा माल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।